नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव साहूणं। पंच परमेष्ठी भगवंतों की, गणाचार्य भगवन विराग सागर जी महामुनराज की, पट्टाचार्य भगवन गुरुवर विश्व सागर जी मुनराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार कहते हैं कि आपके जीवन में विकास जिससे हो उससे जुड़ना चाहिए, आपके जीवन में शांति का वर्धन जिससे हो उससे जुड़ना चाहिए, आपके जीवन में सुख की समृद्धि जिससे हो उससे जुड़ना चाहिए। कुल मिला के बात यह है कि जिसके साथ आपके गुणों की वृद्धि हो उससे जुड़ना चाहिए, मतलब संगत अच्छी रखना चाहिए। आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपकी संगति बिजनेसमैन से हो, स्टडीज़ कर रहे हैं तो उन्हीं बच्चों के साथ संगत करना चाहिए जो पढ़ते हों। बैक बेंचर्स अंदर से तुरंत दिमाग ने कहा कि नहीं, जिस जार में मिक्सी में हल्दी पिसी थी और मिर्ची पिसी होगी उसके बाद सौंफ पिस गई, मतलब सौंफ जितने मधुर गुण को धारण करने वाली थी चला गया वो गुण। किसके कारण? संगति के कारण। वो गुण क्यों गया? ऐसे ही आप लोगों के साथ भी जीवन में होता है, करते तो बहुत अच्छा है आप लोग, लेकिन अच्छी संगति नहीं होने से जो कुछ किया था वो निष्फल हो जाता है। अभी वायरल चल रहा है, वायरल कहते हैं कि भाई थोड़ा दूर से बात करो, क्यों? कहीं आपका वायरल किसी और को इफेक्टेड ना हो जाए। संगत का असर हर क्षेत्र में होता है, इसलिए आज की नीति कह रही है कि आपके जीवन में संगत का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। देखो आप नेचर को देख लो, आप वो जो धूल जमीन पे रहती ना रोडों पर, वायु का संसर्ग मिले, वायु का संग मिल जाए तो वो धूल ऊंची आकाश में उड़ जाती है, और वहीं पानी का संसर्ग मिल जाए तो वो धूल नीचे होकर के बह जाती है। धूल तो वही है, संगत का असर पड़ गया, धूल वही है, संगत का गहरा असर पड़ गया। आपके जीवन में भी ये असर पड़ते हैं, संगत से बड़े गहरे असर पड़ते हैं। कौन सी नदी है जिसका पानी खारा होता हो, बताएगा कोई? कोई एक नदी हो जिसका पानी खारा होता हो? ऐसी कोई नदी नहीं है जिसका पानी खारा होता हो, वो बहता रहता है, मधुर रहता है, लेकिन जैसे ही वो नदी का पानी सागर के समुद्र के संसर्ग में आता है खारा पड़ जाता है। मैं भगवान से कई बार ये बात बोल चुका हूँ कि भगवान मैं भले ही छोटा बन के रहूँ चलेगा, लेकिन नदी की तरह मीठा रखना, बड़ा बन के मुझे खारा नहीं बनना। नदी गई संसर्ग में समुद्र के, बड़ा बनने के लिए खारी हो गई, अब कोई उसका पानी पीना पसंद नहीं करता। समुद्र में नहाने के पहले लोग नहाते हैं और समुद्र में नहाने के बाद लोग नहाते हैं, लेकिन नदी में नहाने के बाद फ्रेश फील करते हैं। संगति कितनी गहरा असर छोड़ के जाती है। भावुकता में हर किसी से दोस्ती मत कर बैठना, भावुकता में हर किसी से व्यापार मत कर बैठना, भावुकता में हर किसी के साथ संबंध मत बना बैठना।
थोड़ा सा डिस्टेंस भी मेंटेन करना। किस बारे में क्यों कह रहा हूँ मैं ये बात, अगर आपने डिस्टेंस मेंटेन करके रखा है, व्यक्ति की पहचान, वस्तु की पहचान करके उसको जोड़ा है, उससे जुड़े हो, कभी नुकसान नहीं होगा, कभी नुकसान नहीं होगा। मैंने देखा कि कई बार भावुकता में लोग क्या करते हैं कि जल्दी जल्दी कर बैठते हैं और वो जल्दबाजी उनके लिए नुकसान दे करके चली जाती है। संगति, देखो कुंभकर्ण ने संगति ली रावण की, कुंभकर्ण ने संगति ली रावण की तो बंदी बन गया, और वहीं विभीषण ने रावण की संगत छोड़ करके राम की संगत ले ली, हनुमान ने, सुग्रीव ने, इन सब ने राम की संगत ले ली, अनैतिकता की संगत नहीं ली। आज उनका नाम अच्छे लोगों में लिखा जा रहा है। आपका नाम आप कहाँ लिखवाना चाहते हो बताइए, आप अपना नाम कहाँ लिखवाना चाहते हो, किन लोगों के बीच में आपका नाम आए, ये समझदार व्यक्ति का कर्तव्य है। इसलिए जब भी किसी से जुड़े, व्यक्ति से, वस्तु से, या वो आपसे जुड़े या आप उससे जुड़े, एक बार समझ लेना। बहुत सारे तार आपने देखे यहाँ पर लगे हुए रहते हैं, वो जो तार लगे रहते हैं ना, गलत जगह लगा दिया जाए तो क्या होता है, अगर वो तार गलत जगह लगा दिया गया है तो शॉर्ट सर्किट होगा, ब्लास्ट होगा, आग भी लग सकती है। आपके जीवन में भी यही शॉर्ट सर्किट होते हैं, कुंडली मिलवाते हैं लोग पागलों की तरह, और बाद में पागलों की तरह रोते हुए मेरे ही पास आते हैं कि गुरुदेव जिंदगी बर्बाद सी हो गई है। मैं उसको आता हूँ, पहले कहा था मत बन गधा घोड़ी में बैठकर, नहीं माने, अब रो चीजों को समझना मैं क्या कह रहा हूं। शादी भी कर रहा है कोई तो व्यक्ति आजकल, या तो चेहरा देख के कर लेता है, या पैसा देख के कर लेता है, या कुंडली में ला करके कर लेता है, यही तीन फेज चल रहे हैं, अच्छा नाम है, अच्छा पैसा है, कर दो। अब तो आजकल एक नया फेज चल रहा है, शादी अच्छे बड़े व्यक्ति से कर लो, 2 साल बाद डिवोर्स और 30% प्रॉपर्टी अपनी, अपन बन जाए रानी। नहीं, इन लोगों को देख करके, दुनिया के लोगों को देख करके शिक्षा लो, संगत कैसे व्यक्ति की करना चाहिए, जो आपका साथ निभाए, जो आपका साथ दे, विपत्ति में हाथ न छोड़े, ऐसे लोगों की संगत करना चाहिए। ये राजस्थान है, यहाँ राजस्थान में तो पहले से एक बात मैंने देखी है, सुनी भी है, छोटी सी उम्र में गौना कर देते थे, गौना मतलब 6-8 साल 5 साल के बच्चों की शादी कर दी और एक एज निश्चित कर दी, इतने साल के होंगे तो तुम ले जा लेना, कोई कुंडली नहीं मिलती थी। कई बार तो ये हो जाता था, लड़के से ज़्यादा हाइट लड़की की हो जाती थी, फिर भी वो जीवन बड़ा शांति से, प्रीति से चलता था। और अब कुंडली मिल रही है, शादी के पहले 5 बार मीटिंग हो चुकी है, सारी बातें हो चुकी हैं, शादी के बाद 1 साल हुए, मुझे नहीं रहना उसके साथ, उसका नेचर अच्छा नहीं है। अरे भैया, संगत करने के पहले सोचना थी, अब संगति कर ली ना, अब एडजस्ट करो। आपकी लाइफ यहां से यहां आने में देर नहीं लगती, अगर संगति अच्छी ना हो, और लाइफ यहां से यहां जाने में भी देर नहीं लगती अगर संगत अच्छी ना हो। संगत अच्छी होगी, आपके सारे काम व्यवस्थित रहेंगे। व्यापारियों से मैं एक बात करता हूँ, नया नया व्यापार चालू करते हैं तो सोचते हैं कि कस्टमर्स बनाए जाएं,
और इसके लिए आप उधार बांटते हो। और बहुत सारे लोग इसी फिराक में रहते हैं, जो नई दुकानें खुली हैं उनसे उधार लो, अपनी जिंदगी चलेगी। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? व्यापार भी करें, कम करें, चलेगा। ऐसे लोगों के साथ ना करें जो वास्तविकता में अच्छी संगत के ना हो। क्षेत्र, स्थान वो भी देख करके चुने। आज आप यहां बैठे हो और कोई आपकी यहां फोटो खींच कर डालता है तो क्या बोलेगा? व्यक्ति धर्मात्मा है, भले ही हो ना हो, फोटो तो यहां खींच गई ना कि मंदिर गया था, धर्मात्मा है। अब एक व्यक्ति गोवा जी गया और वहां कैसीनो में बैठा है, उसने कभी शराब ना पी थी ना पी है, और वो शराब नहीं पी और वो वहां बैठ करके देख रहा था क्या चल रहा है। और उसने वहां एक जो बार वाला सेक्शन था, एक वहां सेल्फी खींच ली और उसने अपनी फेसबुक में अपलोड कर दी। जो देखेंगे वो क्या सोचेंगे कि अरे कहीं ना कहीं शराब पीता है। मतलब वो आपकी फोटो आपको डिफाइन कर रही है, आपकी संगति आपको डिफाइन कर दी कि आप क्या है। मैंने कुछ दिन पहले दृष्टांत दिया था, आज फिर से कहता हूं कि एक यहां बीचों बीच एक गोल साइन मैंने बना दिया। अब ये जीरो है कि ओ है, कोई बताएगा कि क्या है? सब अपने अपने हिसाब से डिफाइन करेंगे। कोई बोलेगा जीरो बना है, कोई बोलेगा ओ, कोई बोलेगा सर्कल डिजाइन है। लेकिन इस डिजाइन के आगे मैंने वन और उसके बाद में एक गोला और बना दिया तो क्या लिख गया? 100। इसका मतलब आगे वाले और पीछे वाले ने डिफाइन किया है कि तुम कौन हो। आपकी संगति डिफाइन करती है कि आप कौन हो। अच्छे लोगों के साथ रहोगे तभी आपकी पूछ परख होगी अच्छी, वरना नहीं हो पाएगी। देखो बेचारी सीता, न लिया ना दिया, रावण एक तो हरण करके ले गया, न उसने रावण को स्पर्श किया न रावण ने उसको स्पर्श किया। अशोक वाटिका में रही, राम गए युद्ध करके छुड़ा लाए, इतने से समय के लिए रावण के साथ रही तो अपवाद हो गया। इतने से समय के लिए रावण के साथ रही तो अपवाद हो गया। आप सोचो, आप रावण जैसे लोगों के साथ रहते हो, कितना अपवाद होगा, कितना अपवाद होगा। ऐसे दोस्तों के साथ दोस्ती मत करना जो रात को 9 बजे ही कहते हैं क्यों चल रहा है क्या। महाजन लोग ऐसा नहीं करते। जैन लोग दुकान मंगल करने के बाद या तो मंदिर जाते हैं या घर जाते हैं, बस स्टैंड पर कभी नहीं मिलते, और बस स्टैंड पर मिल रहे हैं इसका मतलब संगत अच्छी नहीं है। अपने बच्चों को स्टार्टिंग एज से एक बात अच्छे से समझा करके डिफाइन करके रखेंगे, बेटा उन्हीं लोगों के साथ रहना, उन्हीं लोगों के साथ रहना जो व्यवस्थित हों, अच्छे हों। क्योंकि छोटी छोटी दोस्ती एक दिन बहुत बड़ी होती है और वो एक दिन इतनी बड़ी हो जाती है कि आप संभाल नहीं पाते। आजकल के दौर में बच्चों को शॉर्टकट का दौरा लगा है, वो जो टीवी की फ़ोन में ऐड आती है कि मैंने इतने कमा लिए, तुमने उतने कमा लिए, मैंने इस गेम में इतने कमा लिए, मैंने शेयर्स में इतने कमा लिए, वो दूसरों की ऐड देख करके जो मन डाइवर्ट होता है। ध्यान रखना, बहुत कम लोग हैं जो कमा पाते हैं, ज़्यादातर लोग गंवाते ही हैं। ये संगति बचपन से लेके अंतिम समय तक अच्छी रखना। राम ने संगति अच्छी रखी, राम राम से श्री राम हो गए, और दशानंद ने संगति अच्छी नहीं रखी, वो दशानंद से रावण हो गया। कई बार मैंने ये भी देखा है कि जो लोग अच्छे नेचर के नहीं होते हैं उनके साथ रहने से आपका भी नेचर बिगड़ जाता है। जैसे प्रकृति को देख लिया, पानी, जब पानी बरसता है और वो पानी बरसा
तो एक जंगल में बहुत सारे पेड़ थे, कुछ नीम का पेड़ थे, कोई नींबू का था, कोई बबूल का था, कोई आम का था। तो पानी तो सब जगह एक सही गिरा, सभी जगह पानी एक सही गिरा था, लेकिन नींबू के पेड़ में गया पानी तो खट्टा हो गया, नीम के पेड़ में गया तो कड़वा हो गया, बबूल के में गया तो वो कांटा बन गया, और आम के में गया तो मीठा मधुर फल बन गया। पानी वही था, और वही पानी स्वाति नक्षत्र में गया तो सीप के अंदर गया तो मोती बन गया। उसी पानी को किसी ने पिया वो मल बन गया। मतलब क्या हुआ? मतलब साफ है, आपकी संगति जैसी होगी आपकी आने वाली परिणति, आने वाली गति वैसी ही होगी। जितने लोगों ने दुर्योधन के पक्ष से युद्ध किया था महाभारत में, उन सब की गति अच्छी नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने अनीति अन्याय का पक्ष लिया। और जितने लोगों ने अर्जुन कृष्ण के साथ युद्ध लड़ा, मरने के बाद भी वो वीर गति को प्राप्त हुए। संगति, अच्छी संगत से गुणों की वृद्धि होती है और बुरी संगत से अवगुणों की वृद्धि होती है। आप अपने अंदर क्या करना चाहते हो? बच्चे कहते ना कि महाराज जी हम बहुत पढ़ते हैं याद ही नहीं होता। क्यों होगा याद? तुमने अच्छी संगत की ही नहीं, आपको याद क्यों होगा? आपने टीवी और फोन पर ज्यादा टाइम दिया है। जितना समय पढ़ाई को देंगे उतना याद होगा। मैं ये नहीं कहता कि बच्चों को सिर्फ पढ़ाएं, बच्चों को खेलने के लिए भी प्रेरित करें, लेकिन पढ़ाई के बाद, क्योंकि फ्यूचर एक बार बनाया जाता है, बाकी जिंदगी भर लोग उसका गुणगान करते हैं। जो लोग 15 साल की उम्र से 35 साल की उम्र तक मेहनत नहीं करते, ऐसे लोग 35 साल की उम्र से 70 साल की उम्र तक मेहनत करते मिलते हैं। और जिन्होंने स्टार्टिंग में मेहनत कर ली है वो बाद में नहीं करेंगे। प्रकृति का नियम है, करना तो पड़ेगी मेहनत, चाहे शुरू में करो चाहे बाद में, मेहनत तो करना पड़ेगी। ये नीति अपने जीवन में उतार कर रखना, जैसी संगति होगी वैसा आपका आने वाला कल होगा, ऐसा चिंतन करना। शेष फिर आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की।